और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जिसकी मांग देश भर में उठाई जा रही है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वह किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। लेकिन समान नागरिक संहिता में शादी तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून पर काम होगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं होगा। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। इससे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट से लोगों को वंचित होना पड़ेगा। यही वजह है कि पर्सनल लॉ के मुताबिक चलने वाले इसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। भाजपा के सबसे बड़े वादों में ये एक है, कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा बड़ी तैयारी कर रही है। यूपी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर काम शुरू हो गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपना वादा, गोवा में लागू है कानून ये, और उत्तराखंड में कमेटी गठित हो चुकी है। अब आइए समझ लीजिए इस कानून के फायदे। देखिए, फायदे ये हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिल सकेंगे। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। तमाम लोगों को संविधान के तहत मिले अधिकार मिल जाएंगे। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, उन्हें बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही संपत्ति के अधिकार के मामले में भी पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने के संबंध में महिलाओं को समान अधिकार का लाभ मिलेगा। कुछ विशेष समुदाय इसी कारण समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। बरेली से खबर, जहां भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तौकीर रजा के खिलाफ भाजपा नेता ने शहर कोतवाली में तहरीर दे दी है। तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। तौकीर रजा ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी, भारत में महाभारत होने की धमकी दी थी। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान को पलट जरूर दिया था, लेकिन उनके बयान पर जमकर बवाल हुआ और अब भाजपा नेता ने उनके खिलाफ तहरीर दर्ज करवा दी है। यानी भड़काऊ बयान देने वाले की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौलाना तौकीर के बयान को लेकर हंगामा जारी है। बिजनौर में सैयद हबीब हैदर धर्मगुरु ने मौलाना तौकीर और जेल में बंद आजम खान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा माहौल खराब करने में माहिर हैं, तो वहीं आजम खान को लेकर सैयद हबीब हैदर ने कहा कि आजम ने गरीबों की जमीन पर कब्जे किए। देखिए, तौकीर रजा साहब हमेशा अपने विवादित बयान के लिए मशहूर रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस तरह के बयान दिए हैं जिससे माहौल खराब हो, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तौकीर रजा साहब का बयान नहीं है, ये कांग्रेस का बयान है बीजेपी के खिलाफ। इस चीज़ को समझना चाहिए। ये मुल्क को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सारे हथकंडे बेकार हो चुके हैं सत्ता में आने के लिए। अब वो सस्ती राजनीति कर रही है। अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके और भी रास्ते हैं, कोर्ट का रास्ता है और रास्ते हैं शांतिपूर्वक। लेकिन इस तरह के बयान देना और मुसलमानों को भड़काना और माहौल खराब करना और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करना, ये घटिया और सस्ती पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को इस पॉलिटिक्स से बाहर आना है कि एक समाजवादी पार्टी के बहुत कदावर नेता सीतापुर जेल में बंद हैं। सबके सामने ये बात आश्कार हो चुकी है कि किस तरह से उन्होंने गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं। बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाने वाले, आपको हैरानी होगी जानकर के एक वक्त और डेलीगेशन मुझसे आकर मिला और मैं हैरान हो गया ये जानकर कि वो लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि उनके मदरसों को आजम खान ने तोड़वा दिया, मस्जिदों को आजम खान ने तोड़वा दिया। रामपुर के अंदर कौन सा ऐसा जुल्म था जो आजम खान साहब ने ना किया हो वहाँ की मजलूम निहत्थी और लाचार आवाम के ऊपर। रातों को उठा उठा के अंगूठे लगवाए गए, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया। तो जो बिल्डोजर चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है।